हरी मिर्च फ्राई तीखी और मसालेदार रेसिपी है और जो लोग तीखा खाना पसंद करते हैं उन्हें हरी मिर्च का स्वाद ज़रूर पसंद आएगा। हरी मिर्च फ्राई को आप खाने के साथ थोड़ा सा लीजिए, ये आपके खाने के स्वाद को बढ़ाएगा। तीखे के शौकीनों के लिए खास आज हम हरी मिर्च फ्राई की रेसिपी लाए हैं। मसाले और तेल में फ्राई कर बनी ये चटपटी मिर्च भोजन के साथ ही साइड डिश के भांति भी सर्व कर की जा सकती है। सभी को तीखे के परचम का स्वाद का अनुभव होगा। कभी कभी क्या होता है, खाने में स्वाद नहीं आता है तो हम इस मिर्च को बना सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर लगभग 200 ग्राम हरी मिर्च ले ली है। ये मोटी वाली कम तीखी हरी मिर्च है। इसके डंठलों को मैंने काट दिया है और इन्हें धो के अच्छे से पोंछ लिया है। तो अब हम इसको छोटे छोटे पीसों में काट लेंगे। आप चाहें तो इन्हें बीच से चीर के भी मिर्च की फ्राई बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इनको इस तरह से छोटे छोटे पीसों में काट के बना रही हूँ। इससे ही फायदा रहता है, अगर हमें कम खानी है तो हम एक या दो पीस ही ले सकते हैं। तो इनको काट लिया है, तो चलिए इस रेसिपी को अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो हमने गैस को ऑन कर लिया है और उस पर हमने एक नॉन स्टिक कढ़ाई को रख लिया है। यहाँ पर हम 4 टेबलस्पून के आसपास मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। सरसों के तेल में ही बनाएं जब भी फ्राई मिर्च बनाएं तो, क्योंकि सरसों के तेल में ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो सबसे पहले हमने एक चम्मच राई दाना डाला है और आधा चम्मच जीरा डाला है। इसको अच्छे से क्रैकल होने देंगे और एक टिंच हमने हींग डाला है और अब हमने मिर्च को काट के जो रखी थी उनको डाल लिया है। तो इनको एक दो मिनट तक हाई फ्लेम पर इस तरह से फ्राई करेंगे। अब हम इसमें एक एक करके मसाले मिलाएंगे। सबसे पहले हमने एक चम्मच कलौंजी डाली है, इसको डाल के हम अच्छे से इसको चला देंगे। इसके साथ ही 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च है। यहाँ पर मेरे पास कम तीखी लाल मिर्च है और हरी मिर्च भी कम तीखी वाली है, तो इसलिए मैंने मिर्च डाली है। अगर मिर्च बहुत तीखी वाली हो तो आप यहाँ लाल मिर्च को स्किप कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर और 2 चम्मच सौंफ का पाउडर। ये सौंफ को मैंने सुखा के दरदरा पीस लिया है मिक्सी में। इसको डाल देंगे और अच्छे से चला दें। और अब हम इसमें 1 चम्मच खटाई पाउडर डाल दें और नमक स्वाद अनुसार, यानी 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। और अब हम इसको अच्छे से 1-2 मिनट तक और चलाएंगे। तो देखिए, हमारी ये मिर्च फ्राई बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। और ये ठंडी हो गई है तो हमने इसको एक प्लेट बाउल में निकाल लिया है और इसको आप 8-10 दिन तक खा सकते हैं।